दोस्तों आज गया था नर्सरी, तो थोड़ी सी शॉपिंग करके लाया हूँ क्योंकि मैं था दुबई 2 माह के लिए, और इस साल जो सही सीज़न था पौधे लाने का वो थोड़ा लेट हो गया लाहौर में। तो अब चूंकि थोड़े नज़र आए मुझे, मैंने कहा जो अभी जल्दी जल्दी मुझे फ्लावर दे देंगे थोड़े से ले लेता हूँ। तो ये फ्लोक्स और डाइहेंथस कुछ लाया हूँ, और इसको पार्टिंग पार्ट कर रहे हैं, लगा रहे हैं सॉइल बना के। सॉइल में इस वक्त जो मेरे पास ये सामने पड़ी है, इसमें हमने काऊ डंग डाला है, जो गोबर खाद होती है वो, और ये पत्तों की खाद एक होती है नर्सरी से, वो मिलती है, ये बैग में पड़ी है वो डाली है। इसमें स्मेल भी नहीं होती है और न्यूट्रिशन भी बहुत होती है, तो ये इस पॉट में लगा रहे हैं इनको। सॉइल डालने के बाद उसमें पॉट जब निकालें गमले में से, तो चूंकि सीज़न थोड़ा लेट है, तो करना क्या है कि इसकी थोड़ी सी सॉइल निकालें नीचे से, और साइडों से जो कॉर्नर वगैरह है वो थोड़ी निकाल लें, क्योंकि आपने जो सॉइल डालनी है वो ज़्यादा फर्टिलाइज होगी। उसमें जो आपने डाला गोबर खाद या दूसरी चीज़ें, वो उसमें ज़्यादा होनी चाहिए ताकि उसको न्यूट्रिशन मिले। तो अभी जो जो गैप हैं वो अच्छी तरह मट्टी अंदर डाल के थोड़ी सी उंगलियों से दबा देनी है मट्टी, ताकि नीचे इसके गैप ना रह जाए। अब ये फ्लॉक्स जो है, ये चूंकि पनीरी है, तो ये देखें बॉटम में कितनी इसकी रूट बाउंड हुई है, ये सारी रूट निकाल देनी है जो गुच्छे डेड हुए हैं, और इसको दो तीन पोर्शन में तोड़ लेना है बीच में से, सेंटर से। इसको भी दो पोर्शन कर लो ताकि इसको अच्छी तरह ये ग्रोथ करे खुल के। थोड़ी सी रूट और निकाल दो ये साइड से, ये हल्की सी, हाँ बस। ये एक पॉट में स्प्लिट करके डिफरेंट कलर लगा दिए हैं इसमें, अभी इसमें लगा रहे हैं। इनको अभी छोटे छोटे पार्ट्स में कर लिए हैं और स्प्लिट करके लगाए जा रहे हैं। कोशिश है कि ज़्यादा ना स्प्लिट किया जाए। ये साथ जो डेड लीव होते हैं ना, ये अगर इसी वक्त निकाल लें तो अच्छा होता है, क्योंकि इसका फ़ायदा ये होता है, ये नीचे से सॉइल में टच हो के ना, ये डिजीज़ कोई ना कोई बीमारी पकड़ लेते हैं। तो उस स्पेस पानी की रखें, पानी जितना लगाना है वो रख के बाकी उस लेवल पे प्लांट लगा दें, उतनी मट्टी रखें। ये साइमन हमारे सोसाइटी के माली हैं, आज इनको रिक्वेस्ट किया, उन्होंने टाइम निकाल के, हमारी सोसाइटी में भी कुछ और काम चल रहा है उसके बावजूद थोड़ा सा टाइम निकाल के आए हैं। ये मेरे नेबर्स हैं, उनके दो पॉट खाली पड़े हुए थे, तो मैंने कहा यार इसमें भी कुछ लगा के देते हैं। गुले दोपहरी का सीज़न आ रहा था, तो इसमें गुले दोपहरी लगा रहे हैं, साइल को लेवल करके ताकि पानी जो है ना इक्वली लगे सब जगह। और इसके लिए जो गुले दोपहरी होती है, कोई ख़ास
सॉइल की ज़रूरत नहीं होती है। वैसे अगर उसमें कौर डांग या कुछ हो डाली खादें तो वो भी फिर पौधा दिखाता है ना अपना आप, पोटाश हो या बाद में जब फ्लावरिंग पे आएगा तो उस वक्त पोटाश देनी होती है। तो इसके लिए इतनी ज़रूरत नहीं होती है चीज़ों की, ये कैसे भी रख दें लगा दें ये हो जाते हैं बहुत आसानी से। तो इसमें अभी कलर का तो पता नहीं है, पर मल्टी कलर थे मेरे पास वही लगा रहे हैं। ये अभी इसमें प्लांट लगा के थोड़ी पार्शली शेडी एरिया में रख दिया है। यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग में धूप आती है और 10-1 बजे तक रहती है, उसके बाद फिर ख़त्म हो जाती है। तो ये जब तक इतनी देर में स्टेबल हो जाएंगे फिर इनको और ज़्यादा थोड़ा सा सनी एरिया में रखेंगे, लेकिन बहुत फुल सनलाइट में नहीं रखना है, ये बर्दाश्त इसकी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं ज़्यादा। तो यहाँ पे मेरे पास जो एरिया है उसमें कुछ एरिया में सुबह आती है धूप, कुछ में दोपहर तक रहती है, कुछ में और 2-3 घंटे दोपहर के बाद आती है। तो मेरे पास हर किस्म की कंडीशंस हैं वहाँ मैं दोस्तों, रख मैं लेता 2 माह हूँ। के लिए दुबई गया हुआ था, तो मेरे प्लांट मालियों ने देखते रहे, पानी लगाते रहे, बट वो जो केयर हम खुद कर सकते हैं वो तो मुश्किल होती है। जैसे ये देखें इन पे डस्ट पड़ी हुई है, बहरहाल है अच्छी हालत में, और बाकी प्लांट भी ठीक हैं, इतने वो मरे नहीं। ये कुछ मेरे सैकुलेंट हैं वो भी चल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो ये एक प्लांट मैं लाया हूँ दुबई से सैयद जहांगीर साहब के लिए, तो थोड़े से और प्लांट भी आपको दिखाते हैं। ये क्यारी में पेटूनिया लगा हुआ है, ये तो अच्छी प्रोग्रेस है इसकी। तो कलांजू की सूरत हाल ये है, वंडरिंग चू स्पाइडर प्लांट बेबी एक लगाया था छोटा सा, वो भी काफ़ी बड़ा हो गया। ये ट्रेलिंग पेटूनिया है, ये अमरूद पेयर लेयरिंग की थी और वो रूटिंग नज़र आ रही है। अभी इसको शिफ्ट बड़ी हार्ड प्रूनिंग की थी और अभी इसकी ग्रोथ देखें, इतनी ब्रांचेस निकल रही हैं न्यू, और फ्लावरिंग पे भी है आ रहा है ये। हमेशा सिट्रस का जो ऊपर कोई शाख सीधी कोई निकल रही हो तो उसको कट कर दिया करें और कनोपी टाइप बना दिया करें और अंदर से भी थिनिंग कर दिया करें, तो बहुत अच्छा। दोस्तों अगर ये हमारी काविश, ये कोशिश अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक किया करें ताकि हमें इनक्रेजमेंट मिले, और चैनल जो नए दोस्त हैं वो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।